बाबूजी आप दहेज मांग रहे हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं और आप। अरे उन्होंने भी अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया है, क्या कितनी घटिया बात है ये, आज के समय में कौन मांगता है दहेज। ए चुप, सुन, एके नास सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तदनं सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा, अर्थात एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जैसे पूरा वन सुगंधित हो जाता है, वैसे एक ही सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। ये शादी विवाह का मामला है और तुम नहीं बोलोगे, बाप हम हैं तुम्हारे, तुम नहीं। ठीक है, व्रत बंद कर दिया है, आराम से घर में बैठो, दहेज का माल हम लेंगे और जब ये नहीं गिनाएंगे ना तो कुछ काम होगा नहीं, और 800 से कम बाराती नहीं जाएंगे, सारा आडंबर होगा, ये उत्तर प्रदेश है, समझ गए। और जब बड़के भैया की शादी, जब सुबह से माल मिला तो आप ही आगे बोले थे बाबूजी बहुत मजा आया, तो बेटा बाबूजी बहुत मजा आया तभी मजा आता है जब माल मिलता है, समझे, गिनाना पड़ता है। और तुमको हमने पढ़ाया लिखाया, ये बकलेली करने के लिए नहीं, बैठ के ज्ञान छाड़ो, दहेज नहीं ना है, घर में बैठ, ये सारा मामला हमारा है तुम्हारा नहीं, समझे, रब बोलना नहीं वरना उतार के जूता मारूंगा, नालायक है, दहेज नहीं बे। क्या संतोष बेटा, कल रात में हमने आपको क्या समझाया, बाप है आपकी बोलना नहीं लेकिन आप सुनते कहाँ हो। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ बोलना नहीं तो ठीक है चचा, अब शादी वाले दिन ना तुम्हें बैठना दुल्हन के साथ, बाबूजी बिठा देना चच्चा को और आप भी बैठ जाना, हम चले ले लो दहेज तुम लोग।